कैसे एक 25 साल का क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर ट्रेडिंग करते करते अपना खुद का जो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है। लॉन्च करने के 2 से 3 सालों के अंदर ये जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बन जाता है, और उसके बाद ये जो दुनिया के सामने एक नया यंग बिलियनर होकर उभरता है, जहाँ पर लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करने लग जाते हैं। बट कुछ ही महीनों बाद इसके कंप्यूटर के एक ट्वीट के कारण ये जो रातों रात बैंककरप्ट हो जाता है और इसका जो बिलियन डॉलर एम्पायर वाइप आउट हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है 6 नवंबर 2022 ट्विटर से और 11 नवंबर आते आते ट्विटर पे ही खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी स्कैम के बारे में। The collapse of FTX has sent shockwaves across the cryptocurrency industry. The company's founder, Sam Bankman-Fried, is under house arrest after his extradition to the US last week. FTX. तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैम बैंकमन फ्रीड की। 2014 में ये ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करते हैं MIT कॉलेज से, एंड उसके बाद जो जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग कैपिटल फर्म के अंदर काम करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर काम करते करते सैम को एक आइडिया आता है, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का एक लूपहोल सैम को मिल जाता है। इसके एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर बिटकॉइन सस्ते मिल रहा था और वही सेम बिटकॉइन जापानीज मार्केट के अंदर महंगे में बेचा जा रहा था। इसे कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग, जहां पर जो अलग अलग मार्केट के अंदर सेम एसेट का प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो काफी सारे हेज फंड इस टाइप की ट्रेडिंग करके अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट बना के देते, और सैम भी यही कर रहा था बिटकॉइन के केस में। और सैम जो काफी ज्यादा पैसे बना रहा था, और यहाँ पर किसी किसी दिन जो है सैम 25 मिलियन डॉलर तक सिंगल डे के अंदर प्रॉफिट बना था। तो सैम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, बट सैम को लगा 2017 में हम जो खुद की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। तो 2017 में सैम ने जो एलामेडा रिसर्च कंपनी लॉन्च की। तो बेसिकली ये एक जो है हेज फंड था, जहाँ पर ये जो इन्वेस्टर से पैसे लेते थे और यहाँ पर ये जो सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते थे, और यहाँ से जो भी प्रॉफिट आता था ये जो इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दिया जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा था, बिकॉज सैम के पास पहले तो पैसे थोड़े पास कम थे, अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर का पैसा आने के बाद यहाँ पर जो हाई वॉल्यूम में जो सैम अब ट्रेडिंग कर पाता था। बट यहाँ पर कंट्रोवर्सी इस चीज़ से होती है, इस एलामेडा रिसर्च कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे ये सैम के या तो कॉलेज के फ्रेंड्स थे या फिर जेन स्ट्रीट कैपिटल ट्रेडिंग फर्म के अंदर जो उसके कलीग्स थे उसको इसने यहाँ पर हायर किया था। तो ये सारे बहुत मौज मस्ती करने वाले एम्प्लॉयज थे, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपर्टीज नहीं थी इस पर्टिकुलर जॉब को हैंडल करने के लिए। एंड हद तो तब हो जाते, इस एलामेडा रिसर्च कंपनी की सीईओ को एक लड़की को बनाया जाता है जिसका नाम होता है कैरोलिन एलिसन। कहा जाता है सैम इस लड़की को डेट कर रहा था और इस लड़की को हमेशा अपने करियर की चिंता सताती थी, तो सैम ने इस कंपनी का सीईओ इस लड़की को बना दिया। तो यहाँ पर इस लड़की को डेफिनेटली याद रखना, बिकॉज आगे जाके बार बार इस लड़की का मेंशन करने वाला हूँ, बिकॉज इस कंपनी को डूबने के लिए लड़की का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी, अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा प्रॉफिट करवा के दे रही थी। बट एक न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलामेडा रिसर्च कंपनी के प्रमोशनल डॉक्यूमेंट लीक हुए थे, जहां पर ये जो है अपने इन्वेस्टर को 15% का एनुअलाइज गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस कर रहे थे, जो कि काफी शॉकिंग चीज है। बिकॉज अगर आप जो क्रिप्टो करेंसी जैसे एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो गारंटीड प्रॉमिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये काफी ज्यादा रिस्की एसेट होता है। बट जब तक इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट आ रहा था, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, काफी लोगों ने यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट किया, तो यहां तक तो ठीक था। पर इस कंपनी के सक्सेसफुल होने के बाद 2019 में, एग्जैक्टली 2 साल बाद, सैम ने और एक कंपनी लॉन्च की, बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया, जिसका नाम था FTX। अब FTX को लॉन्च करने के बाद इसके साथ साथ FTT यानी कि टोकन क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की। अब FTX जो था एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था। अगर आपको नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर आप जो क्रिप्टो करेंसीज को बाय या फिर सेल करते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहां पर इंडिया के अंदर कॉइन स्विच कुबेर है जैसे कि, या फिर बाइनांस है। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म यहां पर जो सैम ने बनाया था, जिसका नाम FTX दिया था। अब यहाँ पर देखो, जैसे इस कंपनी को बनाया था तो सैम को कुछ इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, बिकॉज जब एक कंपनी लॉन्च होती है तो इसे ग्रो करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। और सैम को हैरानी की बात है कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे कि ब्लैक रॉक, स्विफ्ट बैंक, इन सारे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया। और साथ ही में और एक नाम था जिसने इस कंपनी के अंदर 20% की हिस्सेदारी एक्वायर की थी, वो नाम था बाइनांस के सीईओ का, CZ, चिंगपेंग ज़ियाओ का,
जिसने जो 20% की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर ली थी अगेंस्ट $100 million। अब याद रखना दोस्तों, बाइनांस भी एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो ये कंपनी FTX उनकी डायरेक्टली राइवल कंपनी बन जाती है। बट फिर भी यहाँ पर जो इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए हमेशा से बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी रखती ताकि वो जो उसके ऊपर आगे जाके कंट्रोल कर पाए। बट किसी ने नहीं सोचा था कि FTX इतना ज्यादा पॉपुलर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2019 में क्रिप्टो करेंसी की बहुत बातें होती थी, तो काफी सारे लोगों ने 2019-2020 में जो इस FTX प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल किया अपने मोबाइल्स के अंदर और काफी सारे लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया। बट देखिए दोस्तों, ये जो FTT टोकन यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी सैम ने, इसका कोई भी एक्चुअली वैल्यू नहीं था, कोई भी यूज केस नहीं था। जिसके अगर आप इथेरियम के साथ इसे कंपेयर करो तो इथेरियम का बहुत सारा यूज केस है, एक लैंग्वेज है जहां से जो काफी सारे प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं, तो इसके ऊपर आप जो दाव लगा सकते हो। बट FTT केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, एक बहुत ही ब्लैंक क्रिप्टो करेंसी थी जिसका कोई भी वैल्यू नहीं था। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज बूमिंग के समय पे आते हैं और लिस्ट होते हैं। पर देखिए दोस्तों, कैसे FTT $0 से $80 तक चला गया विद इन 2 years। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, जब FTX के ऊपर लोग आते थे क्रिप्टो करेंसीज को बाय या फिर सेल करने के लिए, तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपने एक किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किया अपने $100 किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय या फिर सेल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो छोटी सी ब्रोकरेज फी देनी पड़ती है यानी कि 0.02% वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा या फिर काफी ज्यादा आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको अमाउंट जो चुभने लगता है। तो यहाँ पर FTX ने वही किया, अपने सारे इन्वेस्टर्स को एक ऑफर दिया, अगर वो जो है डिपॉजिट करे हुए पैसे यानी कि जो USD FTT के अंदर कन्वर्ट करे यानी कि USD से FTT बाय करके FTT को अपने अकाउंट के वॉलेट के अंदर रखे, तो यहाँ पर वो जो है अपने इन्वेस्टर्स को ब्रोकरेज काफी कम लगाने वाले थे या फिर जो ऑलमोस्ट जीरो करके देने वाले थे। तो काफी सारे लोगों ने अपने USD को FTT के अंदर कन्वर्ट किया और FTT का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगा, एंड यही से जो FTT की सक्सेस स्टोरी शुरू हो जाती है। तो सैम के पास बहुत सारे ऑफर्स आए, काफी सारे इन्फ्लुएंसर ने सैम को जो है कवर किया, बहुत सारे फोर्ब्स के लिस्ट के अंदर सैम का नाम आने लगा, काफी सारा ग्राउंड जैसे कि NBA का ग्राउंड है उसे जो FTX के नाम से साथ बदला गया, F1 रेसिस मर्सिडीज कार के ऊपर इनकी जो FTX की ब्रांडिंग की गई, फोर्ब्स के लिस्ट में तो ये आ ही चुके थे, तो इसका पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, FTX का गोल्डन पीरियड चल रहा था, पर जैसे मैंने आपको कहा था, तो CZ में यानी कि बाइनांस के CEO ने इस कंपनी के अंदर 20% की हिस्सेदारी ली थी, और जैसे ही इस FTX कंपनी का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, कंपनी ग्रो होना शुरू हो गई, तो सैम ने अपनी हिस्सेदारी की जो शेयर थे 20% फिर से बायबैक करने का सोचा। तो यहाँ पर $100 million के बजाय यहाँ पर सैम ने जो इस शेयर को फिर से $2 billion में CZ से खरीदा। CZ हमेशा FTX को जो कंट्रोल करना चाह रहे थे, बट 20% की हिस्सेदारी सैम को उन्होंने वापस तो दे दी, बट उसके बदले सैम ने उनको जो FTT यानी कि जो FTX का जो टोकन था उसके रूप में $2 billion FTT यहाँ पर जो है CZ को दे दी थी। अब यहाँ पर ये जो बहुत बड़ी गलती थी सैम की, बिकॉज इतने बड़े टोकन एक किसी राइवल कंपनी के पास देना ये बहुत बड़ा खतरा था, एक टाइम बॉम्ब था, जहाँ पर जो CZ एक समय अगर एक क्लिक से इन सारे $2 billion वर्थ रुपीज के FTTs को बेच देते तो यहाँ पर जो FTT एक दिन के अंदर क्रैश हो सकता था। अब यहाँ पर जो FTX के लिए जो गोल्डन पीरियड हो जाता है, जहाँ पर जो काफ़ी सारे डिपॉजिट्स इस FTX के अंदर आ रहे थे, काफ़ी सारे लोग इस एक्सचेंज का यूज़ कर रहे थे और FTT भी साथ में जो ग्रो हो रहा था, तो सैम की इमेज काफ़ी अच्छी हो रही थी और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर भरोसा दिखाया, एंड यही से सैम का असली खेल शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पर सैम को आदत थी कि हर बार गेम को बड़ा करते जाना। जब उसने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग, खुद के पैसे स्टार्ट की थी, जब वो पैसे कम पड़ने लगे उसने एक हेज फंड बनाया और इन्वेस्टर को गलत लालच देके उनके पैसे को यहाँ पर जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ पर वो भी पैसा जब कम पड़ने लगा तो उसने जो खुद का एक्सचेंज लॉन्च किया। अब देखिए लोगों का भरोसा काफी ज्यादा था, तो काफी लोग जो इस FTX को क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज करने लगे, तो काफी लोग जो अपने पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करते थे, एंड यही पे सैम को लगा क्यों ना डिपॉजिट किए हुए पैसों का हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते। अब आपको लोग यार छोटे मोटे पैसे खुद की कंपनी खुद इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ पर मैं आपको जो कॉइन की दूसरी बाजू समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो लोग यहाँ पर डिपॉजिट करते पैसे, ये पहली बात तो अपने खुद के क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए पैसे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट किया हुआ पैसा वॉलेट के अंदर कभी-कभी वैसे ही रह जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो पेटीएम यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। अब एग्जांपल के लिए पेटीएम है, आप जो लाइट बिल पे करने के लिए या फिर कोई भी बिल पे करने के लिए पेटीएम के वॉलेट के अंदर अपना जो पैसा डिपॉजिट करते हो, एंड कई बार यहाँ पर जो 20-30 रुपए ऐसे ही रह जाते हैं, बट यहाँ पर आपको इतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, बट ये कंपनी के साइड से अमाउंट काफी बड़ा बन जाता है, बिकॉज उनके लाखों कस्टमर होते हैं और हर एक पर्सन के 20-30-40-50 एक बहुत ही बड़ा पैसों का पूल बन जाता है जिससे कंपनी गलत इस्तेमाल कर सकती है। और ऐसा देखा गया हिस्ट्री में, काफी बार अलग अलग फंड हाउसेस ने
पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। और इसी का रीजन है सेबी ने जो सारे ब्रोकरेज हाउसेस को जो आपका ट्रेडिंग का पैसा होता है अपने वॉलेट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अंदर सेटलमेंट किया जाता है। यही वो रीजन है बिकॉज कंपनीज या फिर उनके प्रमोटर्स काफी बार इन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। बट एफटीएक्स एक्सचेंज को ज्यादा रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर जो है सेबी या फिर ऐसे जो रेगुलेटेड बॉडीज की यहाँ पर नजर नहीं होती है, तो इसी का सैम ने फायदा उठाया। और देखिए दोस्तों, ये पैसा इतना बड़ा था और इस सारे पैसों को सैम ने जो रिस्की क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया था। अब देखिए सारी चीजें बहुत ही स्मूथली चल रही थी, बट यहाँ पर 2022 में अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन आने के बाद जो यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देती है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कोई भी गवर्नमेंट हाइक करती है तो यहाँ पर लोग जो है रिस्की एसेट से अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो डिक्लाइन आ रहा था क्रिप्टो के अंदर, और सारा पैसा सैम का जो ऐसे रिस्की एसेट के अंदर इन्वेस्ट था, तो सैम की दिक्कतें एक्चुअली बढ़ रही थी। बट यहाँ पर जो सैम को दिक्कत नहीं थी बिकॉज सैम ने जो पैसा यूज किया कस्टमर्स का, ये जब तक कस्टमर्स विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक उन्हें जो पता नहीं चलेगा, भारी मात्रा में जब तक विड्रॉ नहीं करते। बट यहाँ पर मैंने जैसे आपको कहा कि अगर ऐसे आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज रखोगे जिनके पास कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है और उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके से बिजनेस चलाने का, तो यहाँ पर जो आपके लिए वही आपके पैर के ऊपर कुल्हाड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर पहला इंसिडेंट जहाँ पर जो इस कंपनी की अलामेडा रिसर्च की सीईओ जो कैरोलिन एरिसन है, एक इंटरव्यू दे रही होती है, और जहाँ पर एक ये थी कि स्टॉप लॉस बहुत ही बकवास टूल है, इसे आपको नहीं यूज करना चाहिए, इंस्टेड आपको जो रिस्क लेनी चाहिए, आपको लॉस करना चाहिए जब तक मजा नहीं है। Yeah, absolutely could pull it off without my math degree. Use very little math. Use a lot of like elementary school math. Being comfortable with risk is very important. We tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. I'm trying to think of a good example of a trade where I've lost a ton of money. Well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much with that. तो बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट था, बट फिर भी इसे इग्नोर किया गया। इंसिडेंट नंबर दो, यहाँ पर जो इन्होंने जो काफी बार ऐसे ट्वीट किए जहाँ पर जो ड्रग्स को प्रेस कर रही थी, तो इसे भी इग्नोर किया गया। एंड इंसिडेंट नंबर तीन, जहाँ पर जो कैरोलिन एक कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर कहती हुई पाई जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि एफटेक्स का जो पैसा है कस्टमर का, वो जो अलामेडा रिसर्च कभी कभी यूज कर लेती है। अब उसे ये काफी लाइट लग रहा था, बट यहाँ पर एक क्रिमिनल एक्टिविटी एक कॉल पे बोल रही थी, बट इसे भी इग्नोर कर दिया गया। पर इन सारी चीजों को एक पर्सन बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, जो था बाइनांस का सीईओ सीजेड, और ये जो एक असली मौके का इंतजार कर रहा था, और वो मौका था 2 नवंबर 2022 को, जहां पर जो है कॉइनडेक्स एफटीएक्स की बैलेंस शीट को रिव्यू करता है और ये आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, जहां पर पता चलता है कि $12 बिलियन के एफटीटी जो है अलामेडा रिसर्च को ट्रांसफर कर दिए गए एफटीएक्स के थ्रू। अब यहां पर ये सारा पैसा एफटीएक्स के अंदर जो है कस्टमर्स का पैसा था जो कि अलामेडा रिसर्च को ट्रांसफर कर दिया था। अब ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, और यही सीजर को लगता है वो मौका है जहां पर हम जो है एक मास्टर स्ट्रोक लगा सकते हैं। और उसी के चार दिन बाद 6 नवंबर 2012 को सीजर एक पहला ट्वीट करते हैं जहां पर वो कहते हैं जो उनके पास $2 बिलियन की वर्थ की एफटीटी है, मैं उसे बेचने जा रहा हूँ, लिक्विडेट करने जा रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज और अलग अलग चीजें चल रही है। और जैसे इस ट्वीट को करते खुद $2 बिलियन बेचने से पहले लोग यहाँ पर जो है विड्रॉ करना शुरू करते अपने एफटीएक्स का पैसा और एफटीटी को बेचना शुरू कर देते। एंड उसी 6 नवंबर 2022 को $4 बिलियन वर्थ के विड्रॉ आ जाते हैं, यहां पर डायरेक्टली एफटीटी क्रैश हो जाता है। दूसरे दिन $6 बिलियन यहां से वाइप आउट हो जाते हैं, एंड तीसरे दिन लोग विड्रॉ कर रहे, बट लोगों का पैसा विड्रॉ तब होगा जब एफटीएक्स के वॉलेट के अंदर वहां पर पैसा लोगों का होगा, बट वो दिख रहा था नंबर, बट वो विड्रॉ नहीं हो रहा था, तो सारे विड्रॉ ब्लॉक कर दिए गए थे। उसके कुछ दिनों बाद 11 नवंबर 2022 में ट्विटर पे आके सैम ने कह दिया कि मुझसे गलती होगी, मैं चीजों को सुधार सकता था, बट मैंने सारी चीजें जो है खराब कर दी। सैम ने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी दोनों कंपनी के लिए, अलामेडा रिसर्च और एफटीएक्स दोनों बैंकरप्ट हो चुके थे। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा होप नजर आ रहा था, बिकॉज सीजेड ने कहा था एक ट्वीट करके कि यहाँ पर वो जो एफटीएक्स को बाय करने का प्लान कर रहे हैं, बट उसके दो ही दिन बाद एक अलग से एक ट्वीट करके यहाँ पर सीजेड ने कबूल किया कि हम जो अब बैकआउट कर रहे हैं, हम एफटीएक्स को नहीं खरीद रहे, बिकॉज उन्होंने इसका रीजन ये दिया कि एफटीएक्स की बैलेंस शीट चेक करने के बाद यहाँ पर हमें ये पता चला कि सैम ने जितना काम बिगाड़ा है, हमें ऐसा लग रहा था उससे कहीं ज्यादा सैम ने काम बिगाड़ दिया, बिकॉज यहाँ पर जो कस्टमर को जो पैसा देना था, रीपे करना था, वो था $9 बिलियन का लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर थी, कंपनी के पास बस जो है एसेट $900 मिलियन ही था, जो कि 90% कस्टमर का पैसा सैम ने जो अलग अलग रिस्की एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करके डुबा दिया था। और इस तरीके से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज
मिट्टी में मिल गई। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।